दोस्तों आज हम आपको दुनिया के पांच ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भगवान ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाई है। इन अजीबोगरीब जानवर के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो आप अपने आसपास कई जानवर देखे होंगे लेकिन इनके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूब। वेकांती माउस। बाकी चूहों से बिल्कुल अलग इस चूहे का नाम वेकांती माउस रखा गया। इस चूहे का शरीर में इंसानी कान उगाया गया। अब आप यही सोच रहे होंगे आखिर किसी चूहे पर इंसानी कान कैसे उगाया। दोस्तों आपको बता दूं ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट वेकांती ने गाय के शरीर के कुछ सैंपल लेके इस चूहे में इम्पोर्ट कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। ग्लास फ्रॉग। अमेज़न के जंगल में एक मेंढक पाए जाते हैं जिसे ग्लास फ्रॉग के नाम से जाने जाते हैं। ये मेंढक इतना ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इसके दिलों को धड़कते हुए आप अपने आंखों से देख सकते हो। खत्म होने की तदर पे आ चुके इस मेंढक को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मेंढक बना दिया जिसके पीछे का पूरा हिस्सा पारदर्शी था। चिकन विदाउट विंग्स। साल 2005 में इजराइल के एक वैज्ञानिक ने मुर्गियों पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला वो काफी चौंकाने वाला था क्योंकि इससे पैदा होने वाले मुर्गियां बिना पंख के पैदा हुई थी। ये गर्म देशों में भी आसानी से रह सकते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से ये जल्दी ही मर जाती थी। जॉम्बी डॉग। 1940 में कुत्तों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट का फोटोज ने तब सनसनी मचा दी थी जब बताया गया कि मरे हुए कुत्तों को जिंदा किया जा सकते हैं। यूएस में मरे हुए कुत्तों का आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन देकर ये देखा जा रहा था कि क्या मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया जा सकते हैं। कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट में कामयाबी भी मिली लेकिन बाद में विवाद पैदा होने से इसे बंद कर दिया गया। स्पाइडर काऊ। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने एक गाय के अंदर एक मकड़ी के डीएनए का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा इतना खतरनाक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया और उसके शरीर से दूध की जगह मकड़ी के जाले बाहर निकलने लगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सही है या गलत, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल एडवेंचर ट्यूब पे नए हैं और आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पे रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा दोस्तों एक नया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।